हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैभव सैनी। आई एम प्रोबेशनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक आपके साइड से क्वेरी आ रही है जो जेन्युइन भी है कि आरसी को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखो, प्रीलिम्स का आरसी डुएबल होता है, बट आपके मेंस में 2 से 3 या 4 आरसी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको एक प्रॉपर फ्लो नहीं पता कि किस तरीके से एक आरसी को अटेम्प्ट करना है, तो बहुत ही कम्बरसम हो जाता है आपके लिए उसको सही से अटेम्प्ट करना। तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड ऑन माई यू कैन सी स्ट्रैटेजी एंड टेक्निक्स, आई विल गाइड यू, आई विल टेल यू 2-3 पॉइंट्स। अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आरसी में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। देखो, पहली चीज़ ये है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती तो आप आरसी अटेम्प्ट नहीं करोगे। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से ऐसा सुना है, मेरे खुद के फ्रेंड्स भी ऐसे थे, देवर वीक इन इंग्लिश, तो वो क्या करते थे, आरसी को छोड़ के ही आ जाते थे। ये बहुत गलत है, बहुत पेनफुल आपके लिए रहेगा अगर आरसी को आप छोड़ के आओगे। क्योंकि खुद सोचो ना, आपको क्वेश्चन मिला है, आंसर आपको साथ में मिला है, जस्ट आपको पैसेज में से उस आंसर को ढूंढ के और क्वेश्चन को टिक करना है, बस ये काम करना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट इसके लिए ये रहेगा, जब आपके सामने आरसी आता है तो उस आरसी को पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना है कि उन 5 या 6 क्वेश्चंस में एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। अब जब आपको पहले से पता होगा कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर्स को ढूंढना है, तो जब आप उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आरसी को रीड करोगे, तो जैसे ही आप उस पर्टिकुलर लाइन पे पहुंचोगे ना जो आपसे क्वेश्चन में पूछी है, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली स्ट्राइक करेगा कि हाँ, ये उस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस पर्टिकुलर लाइन में मिल रहा है। तो आप हल्का सा शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि इस पैराग्राफ में मुझे इतनी हाइट पर ऐसा कुछ आंसर मिला। देन आप फ्लो में नीचे पढ़ते हुए आइए, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन का कुछ मिलता जुलता मिलेगा। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट अपने बना लेने हैं विद इन उस पीरियड में जब आप आरसी को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो पहली चीज आपको ये करनी है, आरसी पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, और क्वेश्चंस को रीड करने के बाद आपको आरसी को रीड करना है। अब सेकेंड चीज होती है स्किमिंग। अब ये यार, स्किमिंग वाली टेक्निक इट्स वेरी फेमस, बट मुझे वो सूट नहीं करती। स्किमिंग का मतलब होता है कि आप जस्ट एक स्पीड में, एक फ्लो में पढ़ते हुए नीचे आ जाओ आरसी को, बिना मतलब, जैसे एक सिंगल लाइन लिखी है, आपको पूरी लाइन का मीनिंग पता नहीं करना, जस्ट आपको 2-3 कीवर्ड्स पता चले, आप उसको कनेक्ट करते करते पूरा स्किमिंग करते हुए नीचे आ गए। यार ये मुझे नहीं लगता इससे आपको फ़ायदा होगा। बेटर ये रहेगा जब आप आरसी को रीड करें, स्पीड में आपको आरसी रीड करना है, बट पूरी पूरी लाइन आपको रीड करते हुए नीचे आना है। स्किमिंग नहीं करनी, पूरा रीड करना है। बस आपको ये करना है कि स्पीड में रीड करना है, और एक बार पढ़ने के बाद जो लाइन आपने पढ़ी है उसका मतलब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। अब मेंस में क्या होता है, आरसी बहुत लेंदी होता है, और मोस्टली आपको फाइनेंशियल टर्म पे या किसी भी करंट अफेयर पे देखने को मिलेगा आरसी, मोस्टली फाइनेंशियल रिलेटेड ही आता है। एक दो होते हैं जो जिसमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर वगैरह की बात कर दी गई होगी, रेनफॉल इक्वेटोरियल एरिया या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रेनफॉल, ये वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो कुछ भी वो आपसे कहना चाह रहा हो, बस आपको इतना करना है, जो लाइन आपने पढ़ी है, जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है, वो कुछ भी बोला हो उसने, वो आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए, काम चल जाएगा। लेकिन स्किमिंग नहीं करनी। स्किमिंग में ना बीच बीच का आप स्किप कर देते हो जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो पहली चीज़ यही हो गई कि पहले क्वेश्चंस को रीड करना है, देन आरसी को रीड करना है। सेकेंडरी थिंग होती है वो ये होती है कि जब आप क्वेश्चंस को रीड करेंगे ना, उसका आप अपने रफ पेज पे छोटा सा शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि आपको उस पूरे क्वेश्चन में एक कीवर्ड ऐसा मिलेगा जो आपको आरसी से उस क्वेश्चन को कनेक्ट कर देगा। जब आप आरसी पढ़ेंगे तो उस कीवर्ड के थ्रू आप उस क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे। अब ये पता कैसे चलेगा वो कीवर्ड कौन सा है, ये देखो, ये तो एक्सपीरियंस से पता लगता है। और जो भी उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर एक वर्ड पे जो ऑथर होगा वो फोर्स कर रहा होगा उस पर्टिकुलर वर्ड पे, वो आपको क्वेश्चन को रीड करके पता लगेगा कि उसका फोकस जो है कौन से पर्टिकुलर कीवर्ड पर है। वो सेम कीवर्ड आपको ढूंढना है पैसेज में। ये बहुत अच्छी सॉलिड टेक्निक होती है यार। और एक चीज़ और है, जब आप आरसी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, सपोज करो 7 क्वेश्चंस आए हैं, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, उन 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होगा, 1 या 2 क्वेश्चन जो आपका टाइम ख़राब करेंगे, वो आपको मजबूर करेंगे कि आपको दोबारा से वो पैसेज रीड करना पड़े। तो अगर मैं गाइड करूँ तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को स्किप कर देना और अगले क्वेश्चन पे आ जाना, क्योंकि जितना टाइम आप उसके एक क्वेश्चन में ख़राब करोगे ना, उतने टाइम में और इंग्लिश के आप 2-3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है। देखो, पता है, आप भी ध्यान रखो, जो बंच में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, वो नंबर सीरीज के हो गए, सिलॉगिज्म के हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, जहाँ पे
जो एग्जामिनर है वो आपको ये बताना चाहता है कि सबसे इजी टाइप ये है, मतलब इसमें आपको पूरा स्कोर करना है। बट वो क्या करेगा, उन बंच वाले क्वेश्चंस में ना एक क्वेश्चन जरूर ऐसा डाल देगा जो हमें देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे कि ये तो मुझे आता है, इसको तो मुझे करना ही करना है। बट जब आप उसको करने जाएंगे ना, वो आपका टाइम ही खराब करेगा और वो आपसे एक या दो बार में, तीन बार में नहीं होगा, बट आप उसको बार 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 कैलकुलेट करते रहेंगे, क्योंकि आपको उस एक नंबर की वजह से लालच आ रहा है कि मुझे एक या दो नंबर ये क्वेश्चन देके जाएगा। बट उसके अपोजिट में क्या होता है, वो आपका टाइम खराब करके उस टाइम में आप जो दो तीन क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लेते हैं वो टाइम आपका किल कर देता है, तो ये नहीं करना। ठीक है, तो ये पॉइंट रहा ये। अब आरसी के लिए आपको और क्या करना है, देखो एडिटोरियल पढ़ने की सलाह मैं कभी नहीं देता कि आप एडिटोरियल के पीछे पढ़ो, वोकेबलरी याद करो, बट वोकेबलरी आपको याद करनी है तो एक काम कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जामिनर ने अब से 10 साल में जितने भी वोकैब पूछे हैं, चाहे सिनोनिम हो, चाहे एंटोनिम हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, उनकी प्रिंटआउट्स निकाल लो, उनकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लो और उनको याद करो। अब अगर आप बैंकिंग का ढूंढने जाओगे आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा, तो एक काम करो एसएससी सीजीएल का डाउनलोड कर लो, कि एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पिछले 10-12 साल में जितने भी इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज पूछी हैं, सिनोनिम एंटोनिम कुछ भी पूछा हो उनको याद कर लो। मैंने तो देखो वही करा था और मुझे उससे फ़ायदा हुआ था, क्योंकि इंग्लिश इज़ कॉमन फॉर एसएससी एंड बैंकिंग यार, जो वहाँ पूछा जा रहा है वो सेम ही यहाँ पूछा जाएगा अगर मैं वोकैबलरी की बात करूँ। तो फालतू टेंशन नहीं लेनी वोकैब की, और ये आप कर सकते हैं फॉर आरसी। अब करना क्या है, जब एडिटोरियल नहीं पढ़ना तो आप कुछ भी फिक्शन फिक्शन बुक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जिससे आपका करंट अफेयर भी रेडी होगा और आपकी रीडिंग एबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ जिनका अभी 4 तारीख को IBPS PO का एग्ज़ाम है, वैसे उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, बट उसके लिए उनको सेम ही अभी करना है जैसे मैंने कल भी बोला था, अभी आप एरर करेक्शन पे फोकस करो और रीडिंग एबिलिटी जितनी आप बढ़ा सकते हैं उतनी रीडिंग स्पीड अपनी बढ़ाइए, क्योंकि पैसेज ना, अगर ये तो प्रीलिम्स है या प्रीलिम्स में तो स्टोरी बेस्ड आरसी आपको देखने को मिलते हैं, बट अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में इतने बड़े बड़े आरसी होते हैं कि आप मान के चलो 3 या 4 पैराग्राफ का एक आरसी आपको मिलेगा, और ऐसे आपको 4 आरसी तो मिलते ही मिलते हैं मेंस में, 3 या 4 रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आते हैं और वो बहुत स्कोरिंग होते हैं यार। अगर आपको एक करेक्ट प्रोसीजर पता है ना कि आपको किस तरीके से उनको अटैक करना है तो आप उनको कर सकते हो। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या बोला, जैसे आरसी आपके सामने है, पहले आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, देन आप आरसी को रीड करेंगे। जब आप आरसी को रीड कर रहे होंगे आपको वो क्वेश्चन उसमें दिखेगा कि हाँ वो वाला कीवर्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप एक पर्टिकुलर ना अपनी रफ शीट में एक वो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि मुझे इतनी लाइंस करीब इस पैराग्राफ में, मुझे सेकंड लाइन में ये पर्टिकुलर आंसर मिला इस टाइप से। और जब आप क्वेश्चंस को पहले रीड करते हैं तो भी आपको अपनी रफ शीट में उनको कीवर्ड को नोट डाउन करने लगे, क्वेश्चन वन लिख के लाइक मुझे कुछ कुछ इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड दे रखा है, या फिर मुझे यू कैन से टेम्परेचर रेनफॉल से रिलेटेड दे रखा है, कुछ ऐसे कीवर्ड आपको ज़रूर मिलेंगे, वही उस पर आपको काम करना है। बाकी आरसी की टेंशन मत लो, और फिर भी अगर आपका कोई और डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग दिस आरसी टॉपिक यार, बाकी कोई भी डाउट है तो पूछना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर लो। सो बाय, टेक केयर।